प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड के अध्याय 3 में वर्णित रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है हंसी की चोट, दूसरी रचना जिसका शीर्षक है सपना और तीसरी रचना जिसका शीर्षक है दरबार से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, हंसी की चोट सवैये में कवि ने किन पंच तत्वों का वर्णन किया है तथा वियोग में वे किस प्रकार से विदा होते हैं। हंसी की चोट सवैये में कवि ने 5 तत्वों के बारे में बताया है। यह जो मानव का शरीर है इसे 5 तत्वों से निर्मित किया गया है, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को शामिल किया गया है। इस सवैये में कवि ने बताया है कि विरह पीड़ा में भरी हुई नायिका की सांसें बहुत तेज तेज चल रही है। विरह पीड़ा में वह जल रही है, उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही है और तेजी से उसकी सांसें चलने के कारण उसके शरीर का वायु तत्व उसके शरीर से बाहर निकल गया है। वह लगातार विरह पीड़ा में पीड़ित है, इस कारण से उसके हृदय में भी विरह की पीड़ा है और हृदय की इस पीड़ा को वह आंसुओं की अविरल धारा के माध्यम से निरंतर प्रवाहित कर रही है। इस प्रकार अविरल आंसुओं की धारा प्रवाहित होने से उसके शरीर का जल तत्व भी उसके शरीर से बाहर निकल गया है। उसके शरीर का तेज रूपी रूप सौंदर्य और चमक भी उसकी विरह पीड़ा के कारण उसके शरीर से बाहर चली गई है। इस प्रकार उसका अग्नि तत्व भी उसके शरीर से बाहर चला गया है। साथ ही साथ उसकी शरीर की स्थिति विरह पीड़ा के कारण बहुत कमजोर हो गई है और उसकी भूमि रूपी जो तत्व है वह भी उसके शरीर से बाहर निकल गया है। शारीरिक रूप से वह नायिका गोपी बहुत कमजोर हो गई है क्योंकि उसके शरीर से भूमि रूपी तत्व भी चला गया है। अब तो गोपिका के पास केवल एक ही तत्व बचा है, आशा रूपी आकाश तत्व। इस प्रकार इस सवैया में कवि ने इन पंच तत्वों के बारे में बताया है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, हंसी की चोट सवैया में कवि देव ने निम्नलिखित 5 तत्वों का वर्णन किया है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इस प्रकार इन 5 तत्वों के बारे में कवि ने बताया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व। वियोग की अवस्था में, विरह में भरी हुई विरहिणी बहुत ही दुर्बल दशा में है और इन 5 तत्व को वह अपने शरीर से बाहर पाती है। वह पाती है कि उसके शरीर से ये जो तत्व है ये उसके शरीर से बाहर निकल गए हैं। तेज तेज सांसें चलती है, विरह पीड़ा में भरी हुई इस विरहिणी की बहुत तेजी से सांसें चलती है। इस प्रकार तेज तेज सांस चलने से उसके शरीर का वायु तत्व विदा हो जाता है, उसके शरीर से वायु तत्व बाहर निकल जाता है। आंसुओं के द्वारा लगातार अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और इस अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने से उसके शरीर का जल आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल गया है। इस प्रकार उस आंसुओं के द्वारा जो ये जल निकल रहा है, इस प्रकार उसका जल तत्व भी बह गया है। शरीर का तेज सौंदर्य रूपी तेज जो है, जो अग्नि तत्व के रूप में है, वह भी धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है और अब उसे ऐसे लगता है मानो उसके शरीर से अग्नि तत्व भी नष्ट होता जा रहा है। शरीर की दुर्बलता में भूमि तत्व भी मिट रहा है, इस प्रकार उसका भूमि तत्व भी उसके शरीर से कम पड़ता जा रहा है। प्रियतम से मिलन की आशा बनी हुई है, विरह में पीड़ित उस गोपिका की अपने प्रियतम से मिलन की आशा बनी हुई है और आशा रूपी आकाश तत्व ही अब शेष बचा हुआ है। इस कारण अब केवल आकाश तत्व ही शेष बचा हुआ है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हंसी की चोट सवैये की अंतिम पंक्ति में यमक और अनुप्रास का प्रयोग करके कवि क्या मर्म व्यंजित करना चाहता है। यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार का प्रयोग उस स्थान पर हम देखते हैं जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ हमें दिखाई पड़ते हैं, वहां पर यमक अलंकार का सौंदर्य निहित होता है। और अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से वहां अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगत होता है। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कविता की अंतिम पंक्ति, जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी हेरी हियो जु लियो हरी जू हरी है। और इस पंक्ति में जो यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है उसे
यहाँ हरि शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है, हरिजू हरिजू यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है श्री कृष्ण के लिए, और हरि शब्द का प्रयोग हुआ है हरण करने के लिए, श्री कृष्ण ने गोपिका के मन का हरण कर लिया, हरिजू श्री कृष्ण और हरि हरण कर लिया है। इस प्रकार इस हरि शब्द में यमक अलंकार का सौंदर्य निहित है। है वर्ण की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी देखा जाता है। हरे है वर्ण, हसी है वर्ण, इस प्रकार है वर्ण हेरी हियो है वर्ण, हियो है वर्ण, इस प्रकार है वर्ण की आवृत्ति के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी निहित है। इन अलंकारों को प्रयोग से कवि यह मर्म अभिव्यंजित करना चाहता है कि नायिका श्री कृष्ण के प्रेम में अपना हृदय हार बैठी है और श्री कृष्ण ने अब नायिका की उपेक्षा कर दी है और विरह पीड़ा में नायिका अपने आप को बहुत अधिक व्याकुल अवस्था में पाती है और वह उसकी उपेक्षा से बहुत दुखी है और व्याकुलता से लगातार क्षीण होती जा रही है। उसके शरीर के 5 तत्व भी उसके शरीर से बाहर निकल चुके हैं, केवल आशा रूपी आकाश तत्व ही उसके शरीर में बचा हुआ है। अगला प्रश्न है, नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया। नायिका सपने में इस प्रकार से प्रसन्न थी कि उसने सपने में देखा काली काली गहरी गहरी गठाएं आसमान में घिर आई है और झीनी झीनी पानी की बूंदें ऊपर से बरस रही है। इस प्रकार आसमान में घिरती हुई गठाओं से टप टप कर टपकते हुए झीने झीने जल के साथ में श्री कृष्ण उसके सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं और वे उस गोपिका से झूला झूलने का निमंत्रण और मनुहार करते हैं। वे कहते हैं कि गोपिका आओ, इस सुहाने मौसम में हम झूला झूलने के लिए चलें। जैसे ही गोपिका झूला झूलने के लिए उस आमंत्रण को पाकर बहुत प्रसन्नता के भाव से उठती है, वैसे ही उसकी नींद खुल जाती है और नींद के खुलते ही वहाँ का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। वहाँ न तो घन है न घनश्याम है, न तो वहाँ पर वह बादलों से भरा हुआ दृश्य है, न टपकती हुई पानी की बूंदें हैं और न ही वहाँ पर उसके प्रियतम श्री कृष्ण है। इस प्रकार उसका स्वप्न टूट जाता है। और वह सपना कैसे टूट गया, जैसे ही उसकी नींद खुली तो उसका सपना टूट गया, ऐसा दृश्य पूरी तरह से बदल गया। न तो वहाँ पर घन है, न तो आकाश में छाए हुए बादल और घटाएँ हैं और नहीं उनसे बरसने वाले पानी की बूंदें और नहीं गोपी के प्रियतम श्री कृष्ण उसके सम्मुख खड़े हैं। इस प्रकार वह सपना पूरी तरह से टूट गया है। टूट जाने से गोपी बहुत व्याकुल और बहुत दुखी स्थिति में है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, नायिका सपने में इसलिए प्रसन्न थी कि सपने में उसने बादलों की उमड़ घुमड़ और वर्षा की हल्की फुल्की बूंदों के गिरने का दृश्य देखा, साथ ही उसने देखा अपने सम्मुख श्री कृष्ण को खड़े हुए, साथ ही उसने अपने सम्मुख श्री कृष्ण को जो उसके प्रियतम है उनको खड़े हुए देखा। श्री कृष्ण उससे झूला झूलने के लिए साथ चलने का आग्रह कर रहे थे। इस आमंत्रण से वह बहुत प्रसन्न थी। तब उसने जो ही चलने के लिए उठना चाहा, उठने का प्रयत्न किया तो इससे उसकी नींद खुल गई और नींद खुल जाने से सारा स्वप्न ही टूट गया, सारा स्वप्न ही चकनाचूर हो गया। इस सपने के टूटने के साथ ही उसके भाग्य भी सो गए और वह विरह पीड़ा में भरकर बहुत अधिक उदास स्थिति में हो गई। अगला प्रश्न है, सपना कवित्त का भाव सौंदर्य लिखिए। सपना कवित्त में नायिका ने एक सपना देखा सोते हुए कि आकाश में आसमान में घटाएं उमड़ घुमड़ रही है, बारिश की धीमी धीमी और धीरे धीरे टपकने वाली बूंदें गिर रही है और इस प्रकार के सुहाने मौसम में उसके प्रियतम श्री कृष्ण उसके समक्ष आते हैं और वे उस गोपिका को झूला झूलने का आमंत्रण देते हैं। उस झूला झूलने के आमंत्रण को पाकर गोपिका अत्यंत प्रसन्नता के भाव से भर उठती है और वह जैसे ही उठने के लिए झूला झूलने के लिए उठती है तो उसकी नींद टूट जाती है और नींद के टूटने के साथ ही वह दृश्य भी गायब हो जाता है, जिसमें अब न तो आकाश में गिरती हुई घटाएं हैं, न आकाश से टपकती हुई पानी की बूंदें हैं, न ही उसके प्रियतम श्री कृष्ण उसके नेत्रों के सम्मुख हैं। इस प्रकार इसमें संयोग और वियोग स्थिति का बहुत ही बेहतरीन चित्रण कवि द्वारा किया गया है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, सपना कवित्त का भाव सौंदर्य इस प्रकार से लिखेंगे, सपना कवित्त में
में एक गोपी की संयोग अवस्था और वियोग अवस्था का मार्मिक चित्रण एक साथ हुआ है। इसमें संयोग की अवस्था भी दिखाई गई है और वियोग की अवस्था भी दिखाई गई है। संयोग अवस्था में आकाश में घिरते हुए बादल, टपकती हुई बूंदें दिखाई गई है, जिसमें उसके प्रियतम श्री कृष्ण उसके सम्मुख खड़े हैं और उसे झूला झूलने का आग्रह कर रहे हैं। और जैसे ही उसकी नींद खुलती है, जैसे ही उसकी नींद टूट जाती है, उसका स्वप्न टूट जाता है, तो उसका पूरा का पूरा दृश्य बदल जाता है और दृश्य अब वियोग स्थिति का हो जाता है। और अब वहां पर न तो घन है न घनश्याम है और वह पूरी तरह से अपने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं से ही सरोबार है। वस्तुतः वे जो आंसू उसके नेत्रों से बह रहे थे, उन्हीं आंसुओं से उसको सपने में ऐसे लग रहा था मानो आसमान में गहरी गठाएं छाई हुई है और वे ही बरस रही है। इस प्रकार वियोग की स्थिति का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। नायिका स्वप्नावस्था में अपने प्रिय कृष्ण को अपने सम्मुख देखकर अति प्रसन्न होती है और स्वप्न के टूटने पर वियोगावस्था में आ जाती है। संयोग वियोग का यह अनूठा संगम है। इसमें प्रकृति का चित्रण उद्दीपनकारी रूप में किया गया है, जिसमें श्रृंगार रस का भाव सौंदर्य प्रभावशाली बन पड़ा है। इसमें रीतिकालीन काव्य की चमत्कारी प्रवृत्ति भी अभिव्यंजित हुई है। अगला प्रश्न है, दरबार सवैये में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया गया है। रीतिकाल के कवि देव ने दरबार सवैये में दरबार के कला विहीन, सौंदर्य विहीन, रस विहीन तथा कलापारखी लोगों से विहीन राज दरबारों का वर्णन किया है, जहां पर चाटुकार दरबारी लोग कला को नहीं समझते और वे केवल और केवल राजा की प्रशंसा में ही अपनी बात कहते हैं। वे राजा की खुशामद और चाटुकारिता द्वारा उसे प्रसन्न रखने में सदैव संलग्न रहते हैं। इस प्रकार के भाव कवि देव द्वारा व्यक्त किए गए हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, रीतिकालीन कवि देव ने दरबार सवैया में तत्कालीन राज दरबारों की कला व सौंदर्य विहीन स्थितियों का वर्णन किया है। उस समय राज दरबारों में भोग विलास की प्रबलता थी, इससे राजा ज्ञान शून्य हो गए थे। सारा वातावरण विलासता से भर गया था, पतनशील और निष्क्रिय बना हुआ था। सारा वातावरण विलासी, पतनशील और निष्क्रिय बना हुआ था। कला की परख करने वाला कोई भी नहीं था, कला के गुण ग्राहक नहीं थे, कला की पारखी नहीं थे, कला के कोई जानकार और परख करने वाला नहीं था। दरबारों का सामंती वातावरण अज्ञानता से भर गया था, संवेदनहीनता से भर गया था और चाटुकार लोगों से वह पूरी तरह से भर गया था। इस प्रकार से दरबारों का सामंती वातावरण अज्ञानी, संवेदनहीन एवं चाटुकार लोगों से पूरी तरह से दूषित हो गया था। अगला प्रश्न है, दरबार में गुण ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया जाता है। कलाकार के गुण की ग्राहकता, कलाकार के गुण को समझना, कला की परख करना, कला को समझना और कला की परख करके कला को समझने को किस प्रकार से अनदेखा किया जाता है। दरबार में जो कलाकार हैं, जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कला को अनदेखा किया जाता है। किस प्रकार से अनदेखा किया जाता है? क्योंकि राज दरबारों में जो राजा होता है वह तो भोग विलास में डूबा रहता है, ज्ञान शून्य होता है। उसको सही और गलत का ज्ञान और यथार्थ का बोध कराने वाले दरबारी लोग भी केवल और केवल राजा की हां में हां ही मिलाते हैं, उसे सत्य का अनुभव नहीं कराते। और वहां पर सभा और दरबारी लोग गूंगे और बहरों की भूमिका में होते हैं। किसी भी प्रतिभाशाली कलाकार की कला का प्रदर्शन होते समय वे उस कलाकार की प्रतिभा का बढ़ावा नहीं देते और इस प्रकार से राज दरबारों में गुण ग्राहकता और कला की परख को अनदेखा किया जाता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दरबारी वातावरण जब अज्ञानी एवं आडंबर पूर्ण चाटुकारों से युक्त होता है, तब वहां न तो गुणों की कद्र होती है और न ही कला की परख होती है। कला के पारखी तो वहां न के बराबर होते हैं। दरबार में राजा को अपनी चापलूसी वाली कविता ही बहुत पसंद आती है। राजा केवल उन्हीं कविताओं को पसंद करता है जिसमें राजा का गुणगान किया गया हो, उसका महिमा मंडन किया गया हो, उसके बारे में ही उसके अंदर बड़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया हो, वे ही कविताएं राजा को पसंद आया करती थी। और उन्हीं कविताओं के बारे में उसके दरबारी चाटुकार भी उसकी हां में हां मिलाया करते थे। वहां राग रंग भोग विलास का ही रंग चारों सदैव चढ़ा रहता था और राज दरबार में वहां के लोगों पर भोग विलास का और
भोग विलास का ही रंग सदैव छड़ा रहता था। इसमें राजा और दरबारी अंधे बने रहते हैं, उनसे गुण और कला की परख की बात को अनदेखा किया जाता है। गुण, कला में कितना गुण है, कलाकार में कितना गुण है, वह कितना प्रतिभा संपन्न है, इस बात को भी अनदेखा किया जाता है और कला की परख नहीं की जाती और वे केवल और केवल राजा की झूठी हाँ में हाँ मिलाने का ही काम करते हैं। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। हेरी हियो जुलियो हरि जूहरी, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में, वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू व द्रगन में। और इसी प्रश्न में है घ साहिब अंध मुसाहिब मुख सबा बहिरी, इनका आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है हेरी हियो जू लियो हरि जू हरि, गोपिका को प्रेम भरी चितवन से श्री कृष्ण ने देखा। प्रेमी नायक श्री कृष्ण ने प्रेम भरी चितवन, प्रेम भरी मुस्कुराहट के साथ में गोपिका की तरफ देखा और गोपिका के हृदय का हरण कर लिया। इस प्रकार इस पंक्ति में गोपिका कहती है कि उन्होंने, यानी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ में, अपनी मन मोहिनी मुस्कुराहट के साथ में, अपनी मोहक मुस्कुराहट के साथ में मुझको देखा और देखकर मेरे हृदय का हरण कर लिया। हेरी हियो जू, और मेरे हृदय का उन्होंने हरण कर लिया। हरि जू हरि, श्री कृष्ण ने हरि हरि से आशय है मेरे हृदय का हरण कर लिया है। और इस प्रकार गोपी विरह पीड़ा में भरी हुई है। सोई गए मेरे भाग मेरे जानी वा जगन में, सपना देखते हुए गोपिका को बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही थी, जिसमें आकाश में छाई हुई घटाओं और बरसते हुए पानी के बूंदों के मध्य उसके प्रियतम श्री कृष्ण उससे झूला झूलने का आग्रह कर रहे थे। जैसे ही वह झूला झूलने का आमंत्रण पाकर झूला झूलने के लिए उठी, उठने का प्रयास करने लगी, उठने के साथ ही उसकी नींद टूट गई और नींद के टूटने के साथ ही वह उसके भाग्य भी सो गए। सोई गए भाग मेरे जानी वा जगन में, जैसे ही वह जागी नींद से, जैसे ही वह जागी उसके भाग्य सो गए। यानी उसके सामने न तो उसके प्रियतम श्री कृष्ण खड़े थे, न ही वह श्री कृष्ण के साथ मिलन का और झूला झूलने का आनंद नहीं ले सकती थी। गोपी कहती है कि मेरे तो भाग्य ही फूट गए, मेरे तो भाग्य ही सो गए। जैसे ही मैं जागी, मेरे जागने के साथ ही मेरे भाग्य भी सो गए। क्योंकि जब वह सो रही थी, गोपिका जब सो रही थी, तब तो उसके स्वप्न में उसके प्रियतम श्री कृष्ण उसके सम्मुख खड़े थे। उससे उनके साथ में बातचीत करने का सौंदर्य, बातचीत करने का सुख गोपिका को प्राप्त हो रहा था। और जैसे ही वह नींद से जागी, जागते ही उसके भाग सो गए, यानी उसके सम्मुख उसके प्रियतम श्री कृष्ण अब सम्मुख खड़े हुए नहीं है। वे ही छाई बूंदे मेरे आंसू व द्रगन में, सपना देखती हुई उस गोपिका के सामने इस प्रकार का सुंदरतम दृश्य है कि आसमान में गए बहुत घटाएं छाई हुई है, आसमान से पानी की बूंदें नीचे टप टप करके गिर रही है और श्री कृष्ण उसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और जैसे ही उसकी नींद टूटी, उसका स्वप्न टूटा, वह दृश्य गायब हो गया। अब उसने, गोपिका ने देखा कि उसके नेत्रों से केवल आंसू की बूंदें टपक रही है। वे ही बूंदें छाई बूंदें, केवल आंसुओं की बूंदें ही उसके आंसुओं से झर झर करके टपक रही है। मेरे आंसू व द्रगन में, उसके नेत्रों से जो आंसुओं की बूंदें झर रही है, वस्तुतः यही बूंदें उसको स्वप्न में आकाश में घिरती हुई घटाओं और टपकते हुए पानी के रूप में उसको इस प्रकार से आभासित कर रही थी। उस गोपिका को ऐसा आभास हो रहा था कि स्वप्न में देखी जा रही वह उन दृश्यावली को, जिसमें काली काली घटाएं घिर कर आई है, जिसमें पानी की बूंदें टपक रही है, वस्तुतः वे गोपी की आंखों से झरते हुए गिरते हुए आंसू ही थे। और उन्हीं आंसुओं के गिरने से गोपी को स्वप्न में ऐसा आभास हो रहा था मानो आसमान में घिरती हुई घटाओं से पानी की बूंदें टपक रही हो। वस्तुतः वे वही बूंदें थी जो गोपी की आंसुओं के रूप में उसके नेत्रों से टपक रही थी। साहिब अंध मुसाहिब मुख सबा बहिरी, इस पंक्ति के माध्यम से रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव कहते हैं कि राज दरबारों में कला विहीन लोग अधिक पाए जाते हैं। वे न तो कला के गुणग्राहक होते हैं और न ही वे कला के कद्रदान होते हैं, उनको कला की परख भी नहीं होती। और इस प्रकार से उन राज दरबारों में जो साहिब राजा होता है वह अंधे के समान होता है, गुण से शून्य होता है, ज्ञान से शून्य होता है। मुसाहिब मूक, और वहाँ का जो मुसाहिब है, वहाँ के जो दरबार के
लोग हैं, मंत्रीगण इत्यादि हैं, वे भी सब मूक रहते हैं, वे केवल राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और सभा बहिरी सभा भी किसी भी कलाकार द्वारा कला का प्रदर्शन किए जाने पर गूंगे और बहरे होने का ही भाव व्यक्त करती है, वे भी ऐसे प्रदर्शित करते हैं मानो कि वे सबके सब बहरे हों। राजा यदि किसी कला को सुनकर आनंद के भाव में अपने आप को प्रस्तुत करता है तो पूरी की पूरी सभा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, अन्यथा पूरी की पूरी सभा बहरी की तरह और मुसाहिब मूक की तरह ही इस सभा में पाए जाते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, हेरी ही यो जूलियो हरी जू हरी। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, श्री कृष्ण ने एक गोपी की ओर देखा, प्रेम भरी चितवन से देखा, और जैसे ही उसने मुस्कुराहट भरी चितवन से गोपी की तरफ देखा, प्रेम भाव से उसके हृदय का हरण कर लिया, परंतु अब श्री कृष्ण के द्वारा उसकी तरफ से मुंह फेर लेने से वह गोपी दुखी है। गोपिका का हृदय श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुस्कान के द्वारा हरण कर लिया है, और उसके बाद श्री कृष्ण ने उस गोपिका की ओर से मुख फेर लिया है। ऐसी स्थिति में गोपी अब विरह भाव में बहुत ही व्याकुल है। आशय स्पष्ट कीजिए, सोई गए भाग मेरे जानी वा जगन में, स्वप्न देखती हुई गोपिका जैसे ही जागी, जानी वा जगन में जैसे ही वो जागती है वैसे ही उसके भाग्य सो जाते हैं। वैसे ही इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य निहित है, जैसे ही गोपिका जागती है उसके भाग्य सो जाते हैं। दोनों स्थितियां विरोधाभास से भरी हुई है, इस प्रकार इसमें विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य है। गोपिका स्वप्न में अपने प्रिय श्री कृष्ण से मिलन का सुख पा रही थी, श्री कृष्ण उसके सम्मुख अपने साथ झूला झूलने का आग्रह कर रहे थे। गोपी को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था कि अचानक ही उसकी नींद खुल गई, क्योंकि वह उस आमंत्रण को पाकर झूला झूलने के लिए जैसे ही उठने लगी उसकी नींद खुल गई, नींद टूट गई और वह सारा दृश्य गायब हो गया। गोपिका के जागने के साथ ही उसके भाग्य सो गए, क्योंकि जब वह सो रही थी तब तो उसको स्वप्न का सुख प्राप्त हो रहा था, स्वप्न में श्री कृष्ण के साथ मिलन का सुख प्राप्त हो रहा था, और जैसे ही वह जागी वह मिलन का सुख समाप्त हो गया। और गोपिका कहती है कि मेरे तो जागने के साथ ही मेरे भाग्य सो गए, जो सुख स्वप्न में श्री कृष्ण मिलन से प्राप्त हो रहा था जागते ही वह सब समाप्त हो गया। अब गोपिका को पछतावा हो रहा है कि वह सोती ही रहती, श्री कृष्ण को स्वप्न में देखती ही रहती तो श्री कृष्ण के साथ में वह और अधिक समय तक मिलन के सुख का आनंद ले पाती। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए, वे छाई बूंदे मेरे आंसू वह द्रगन में। स्वप्ना देखती हुई गोपिका के नेत्रों से आंसू की बूंदें लगातार बह रही है, और जब गोपिका का स्वप्न टूट जाता है, गोपिका जाग जाती है, उसके सामने न तो आकाश में बादल होते हैं न ही उसके प्रियतम श्री कृष्ण होते हैं, उसके नेत्रों से केवल और केवल बहती हुई अश्रुधारा ही होती है, और यही अश्रुधारा वस्तुतः उस गोपिका को ऐसा आभास करा रही होती है कि मानो आकाश में गहरी गहरी गठाएँ छा गई हो और उनमें से टप टप टपकती हुई पानी की बूंदें नीचे गिर रही हो, लेकिन वस्तुतः वे उसी गोपिका की नेत्रों में से आंखों में से गिरते हुए आंसुओं की ही बूंदें थी। कवित्त की इस पंक्ति में सावन मास की वर्षा की पतली पतली छोटी छोटी बूंदों की तुलना गोपिका के उन अश्रु बूंदों से की गई है जो नींद खुल जाने पर श्री कृष्ण के वियोग के कारण उसके नेत्रों में छा जाती है। आशय स्पष्ट कीजिए, साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी। इस पंक्ति में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव कहते हैं कि रीतिकालीन राज दरबारों में कला से विहीन लोग ही राज दरबारों में अधिक दिखाई दिया करते थे, वहाँ पर कला के पारखी और गुण ग्राहक लोग बहुत कम हुआ करते थे। उक्त पंक्ति में कवि ने भोग विलास में लिप्त सामंती व्यवस्था वाले दरबार के दरबारियों और राजा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि इस दरबार में साहिब यानी राजा अंधा होता था, ज्ञान से शून्य हुआ करता था, दरबारी गूंगे होते थे, वे केवल और केवल राजा की हाँ में हाँ मिलाया करते थे, और सभासद बहरे होते थे, वे कला के किसी भी प्रस्तुतिकरण पर किसी प्रकार का कोई भाव प्रकट नहीं करते थे। यदि राजा सुखद भाव में प्रकट करता तो ये दरबारी भी सुखद भाव प्रकट करते, राजा की हाँ में हाँ मिलाना ही इन दरबारियों का सभासदों का काम था, जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और ना ही वे बोल सकते और न ही वे सुन सकते हैं। इस प्रकार साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी।
यानी राज दरबार में साहिब राजा अंधा, दरबारी गूंगे और सभासद सब बहरे हैं, जिन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, नहीं वे कुछ बोल सकते हैं और न ही कुछ सुन सकते हैं। देव ने दरबारी चाटुकारिता व दंभपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार व्यंग किया है? ऋतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव ने आश्रय देने वाले राजाओं और राज दरबारों की व्यवस्था को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, प्रभावशाली ढंग से अपने कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि देव दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण पर व्यंग करते हैं। वे कहते हैं कि राज दरबारों में कला के ग्राहक नहीं हैं, कला के गुण को पहचानने वाले लोग नहीं हैं, कला के पारखी लोग नहीं हैं। राज दरबारों में तो केवल और केवल राजा की चाटुकारिता करने वाले लोग हैं, राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। वहाँ पर अब केवल और केवल ऐसे लोग हैं जो भोग विलास में डूबे हुए हैं, जो रास रंग में डूबे हुए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से कला की परख नहीं है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि देव दरबारी चाटुकारिता और दंभपूर्ण वातावरण पर व्यंग करते हुए लिखते हैं कि यहां सभी भोग विलास में लिप्त हैं, यहां चाटुकारिता इस कदर व्याप्त है कि पूरा दरबार कला और सौंदर्य से विहीन हो चुका है, उन्हें कला की परख ही नहीं है, वे कला के ग्राहक ही नहीं हैं। कवियों और कलाकारों को वहां पूरा सम्मान नहीं मिलता, अज्ञान और दंभ के कारण वहां न तो कोई किसी से कुछ कहता है और न कोई किसी की मानता है, न ही कोई किसी की बात सुनने को तैयार है। कवि ने यहाँ पर राजा को अंधा, दरबारियों को गूंगा और सभा को बहरी बताकर दरबारी परिवेश की संवेदनहीनता पर करारा व्यंग किया है। निम्नलिखित पद्यांशों की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। सांसन ही कर खेमे है जहरी गगन में और घेमे है साहिब अंध बाँचो। निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। कै सांसन ही कर। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव द्वारा रचित है। हंसी की चोट शीर्षक से यह उद्धृत है। नायक श्री कृष्ण के मुंह फेर लेने से नायिका गोपी विरह की चरम अवस्था में पहुंच जाती है। इसमें कवि ने उसकी विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया है। गोपिका विरह पीड़ा में बहुत अधिक पीड़ित है। श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुस्कान के द्वारा गोपिका का हृदय हरण कर लिया है और गोपिका का हृदय हरण करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अब उसकी तरफ से बेरुखी दिखाते हुए मुंह भी मोड़ लिया है। ऐसी स्थिति में गोपिका विरह बहुत चरम स्थिति में पहुंच गया है। गोपी विरह पीड़ा में भरकर बहुत तेज तेज सांस लेती है। सांस आने और सांस जाने के साथ ही गोपी को ऐसा लगता है मानो उसके शरीर का वायु तत्व उसके शरीर से बाहर निकल रहा है। कवि कहते हैं कि तेज तेज सांस लेने से गोपी के शरीर का वायु तत्व बाहर निकल रहा है। गोपी विरह पीड़ा में भरी हुई है, लगातार अपनी आंसुओं से अश्रुधारा प्रवाहित कर रही है। ऐसे लगता है मानो आंसुओं के साथ ही गोपी का जल तत्व भी उसके शरीर से बाहर निकल गया है। गोपी के शरीर का रूप सौंदर्य रूपी चमक का गुण भी धीरे धीरे विरह वेदना के कारण समाप्त होता जा रहा है। ऐसे लगता है मानो गोपी का अग्नि तत्व भी उसके शरीर से बाहर निकल गया हो। गोपी दुबली हो गई है, कृशकाय हो गई है और ऐसे लगता है कि गोपी के शरीर का भूमि तत्व भी अब उसके शरीर से बाहर निकल गया है। गोपी का केवल एक ही तत्व बचा है और वह है आशा रूपी आकाश तत्व। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, एक बार नायक श्री कृष्ण ने नायिका गोपी की तरफ मुस्कुरा करके देखा तो गोपी भाव विभोर होकर उन्हीं की मुस्कुराहट में खो गई, किंतु थोड़े देर बाद श्री कृष्ण ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। श्री कृष्ण द्वारा हंसी की चोट करने के पश्चात वह उसी समय से वियोग व्यथा में जी रही है। विरह अवस्था में वह तेज तेज सांसें छोड़ती है, इससे उसके शरीर से वायु तत्व समाप्त होता जा रहा है। विरह की पीड़ा में भरकर गोपी तेज तेज सांस छोड़ती है और तेज तेज सांस छोड़ने के कारण उसके शरीर से वायु तत्व समाप्त होता जा रहा है। श्री कृष्ण के वियोग में रोते रहने से लगातार उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, जिससे उसके शरीर का जल तत्व भी बहकर समाप्त हो रहा है। वह लगातार
अश्रु प्रवाहित कर रही है, आंसू उसके नेत्रों से निकल रहे हैं, इस प्रकार उसके शरीर का जल तत्व भी बहकर समाप्त हो रहा है। गोपी दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही है, उसके शरीर का तेज अर्थात सौंदर्य की चमक भी अब अपना गुण खो रही है, इस प्रकार तेज तत्व यानी अग्नि का प्रभाव भी समाप्त हो रहा है। विरह व्यथा में उसका शरीर अत्यंत कमजोर हो गया है, इस कमजोरी में उसके शरीर का भूमि तत्व भी चला गया है। निम्नलिखित पद्यांशों की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए जहरी गगन में। इसका प्रसंग इस प्रकार से है, प्रस्तुत पद्यांश रीति काल के श्रेष्ठ कवि देव द्वारा रचित है, इसे सपना शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इस कविता में नायिका गोपी के स्वप्न विरह दशा का वर्णन किया गया है, वह निद्रा की स्थिति में स्वप्न देखती है जिसमें वर्षा होने पर नायक श्री कृष्ण उसे झूलने का निमंत्रण देते हैं। संयोग अवस्था में श्री कृष्ण उसे झूलने का निमंत्रण देते हैं और जैसे ही उसकी नींद टूट जाती है वह संयोग अवस्था वियोग अवस्था में बदल जाती है, परंतु स्वप्न भंग हो जाता है। इसका वर्णन कवि ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इन पंक्तियों में किया है। इनकी व्याख्या इस प्रकार से है कि वर्षा ऋतु में आकाश में गहरी गहरी घटाएँ घिर आई है और आकाश में पानी की बूंदें बारिश के रूप में धीरे धीरे झरझर कर झर रही है, टपक रही है। ऐसे सुहावने मौसम में नायिका गोपी के समक्ष उसके प्रियतम श्री कृष्ण आते हैं और वे उस नायिका यानी गोपी को झूला झूलने का आमंत्रण देते हैं। वर्षा ऋतु में झीनी अर्थात बारीक बारीक बूंदें झर रही है, अर्थात झरझर करके वर्षा की बूंदें झर रही है। आसमान में घने बादलों की घटाएं उमड़ घुमड़ कर घिर आई है, ऐसे मनमोहक वातावरण में नायिका गोपी निद्रामग्न स्थिति में स्वप्न देख रही है। वह स्वप्न में श्री कृष्ण को देख रही है जो उससे वार्तालाप कर रहे हैं, जो उसे झूला झूलने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं। अगली पंक्तियां इस प्रकार से हैं, निम्नलिखित पद्यांशों की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए गै साहिब अंध बाँचो। इसका प्रसंग इस प्रकार से है, प्रस्तुत सवैया रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव द्वारा रचित है, दरबार शीर्षक से इसे उद्धृत किया गया है। इस सवैये में कवि ने तत्कालीन राज दरबारों की पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साहिब अंध अपने युग के दरबारी वातावरण पर कटाक्ष करते हुए कवि देव कहते हैं कि अपने युग के दरबारी वातावरण पर कटाक्ष करते हुए रीतिकालीन कवि देव कहते हैं कि दरबारों में राजा अंधा होता है, ज्ञान शून्य होता है, कला के संबंध में उसे कुछ ज्ञान नहीं होता है। दरबार में राजा का मंत्री गूंगा यानी हृदयगत बातों को सच्ची बातों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त करने वाला नहीं होता है। राजा का मंत्री गूंगा होता है, वह सच्ची बातों को भी सही तरीके से नहीं कह सकता, कहने में असमर्थ होता है, वह राजा की हाँ में हाँ मिलाता है। सभा गूंगी बहरी यानी चुप रहने वाली बनी रहती है, वहाँ सभी राग रंग में डूबे रहते हैं। ऐसे कला विहीन नीरस वातावरण में यदि कोई प्रतिभावान कलाकार यदि कोई कलाकार भूले भटके फंस जाता है तो उसकी स्थिति मार्ग से भटके हुए उस व्यक्ति के समान हो जाती है जिसे रास्ता नहीं मिलता है। उसे डूबने के लिए किसी काव्य रसिक गुणी व्यक्ति के हृदय की गहराई नहीं मिलती तथा वह कलाकार कला विहीन व्यक्तियों के बीच में भटकता रहता है। ये लोग भोग विलास में डूबकर अकर्मण्य बन चुके हैं। इस प्रकार कवि ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पर लोग कला के पारखी नहीं हैं, कला को समझते नहीं हैं, कला के गाहक नहीं हैं, ऐसे लोगों के बीच फंसकर अपने आप को असहाय की स्थिति में पाता है। अगला प्रश्न है, देव के अलंकार प्रयोग तथा भाषा प्रयोग के कुछ उदाहरण पठित पाठों में से दीजिए। प्रथम छंद में हंसी की चोट में अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है, क्योंकि इसमें कवि द्वारा नायिका के शरीर से पांच तत्वों के बाहर निकल जाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कवि नायिका के शरीर में से सांसों के माध्यम से वायु तत्व बाहर निकल गया, आंसुओं के माध्यम से जल तत्व बाहर निकल गया, उसके शरीर का अग्नि तत्व रूप सौंदर्य रूपी तेज और चमक है वह भी विरह पीड़ा के साथ बाहर निकल गया, वह इतनी कृशकाय और दुर्बल हो गई है कि उसके शरीर से भूमि तत्व भी निकल गया। अब तो गोपिका के पास केवल एक ही तत्व बचा है, आशा रूपी तत्व, और वह है आकाश तत्व। इस प्रकार से बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इस प्रकार इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का सौंदर्य है। अतिशयोक्ति अलंकार का आश्रय लेकर विरणी की दशा का बहुत ही बड़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया गया है। हरि शब्द की आवृत्ति भिन्न अर्थों में होने से यमक अलंकार और श्लेष अलंकार भी इसमें
इसका सौंदर्य भी इसमें दृष्टिगत होता है। जहरी जहरी गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य है। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होने से और शब्द का अर्थ नहीं बदलने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य होता है, और इस प्रकार जहरी जहरी और गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। गोपिका जैसे ही सोती रहती है और सोने से जैसे ही वो जागती है तो उसके भाग्य सो जाते हैं, गोपिका जागती है और उसके भाग्य सो जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही विरोधाभास की स्थितियां हैं और इसमें विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य निहित है। तन की तनुता, हरे हंसी, हेरी हियो, निगोड़ी नींद, रुचि राचो, निशी नाचो आदि शब्दों में वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास की सुंदरतम छटा के दर्शन हो रहे हैं। तन की तनुता में तय वर्ण है, तनुता में तय वर्ण है, हरे हंसी में है वर्ण है, हरे हंसी में है वर्ण है, हेरी हियो में है वर्ण है, निगोड़ी नींद में नय वर्ण है, निगोड़ी नींद में नय वर्ण है, रुचि राचो में रय वर्ण है, निशी नाचो में नय वर्ण है। इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। साहित्यिक ब्रजभाषा की मधुर कोमल शब्दावली का प्रयोग हुआ है, साहित्यिक ब्रजभाषा की मधुर कोमल शब्दावली प्रयुक्त की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 3 में वर्णित कवि देव द्वारा रचित पहली कविता जिसका शीर्षक है हंसी की चोट, दूसरी कविता जिसका शीर्षक है सपना, और तीसरी रचना जिसका शीर्षक है दरबार, इन तीनों ही रचनाओं से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 4 कवि पद्माकर की रचनाओं के साथ आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।